ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो बढ़ते खबरों में आगे, राष्ट्रीय जनजातीय साहित्य महोत्सव के अवसर पर रायपुर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में 19 अप्रैल मंगलवार से 3 दिवसीय हस्तकला प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। यहां विभिन्न विभागों और जनजातीय समूहों के 29 स्टॉल लगाए गए हैं। यहां जनजातियों के खान पान आभूषणों सहित उनके रहन सहन के तरीकों को जानने के लिए लोग आकर्षित हो रहे हैं। आदिम जाति अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान छत्तीसगढ़ और भारत सरकार जनजातीय कार्य मंत्रालय के सहयोग से हस्तकला प्रदर्शनी सह विक्रय का आयोजन किया गया है। तो बेमित्रा के साजा विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत हथमुड़ी के आश्रित ग्राम हरसपुर में एक किसान के द्वारा अवैध रूप से पेड़ काटा जा रहा है, जिसकी जानकारी ग्रामीणों द्वारा ग्राम पंचायत सरपंच को दिया गया है। वही सरपंच के द्वारा पटवारी और तहसीलदार को जानकारी देते हुए बताया कि गांव में एक किसान ने लगभग 15 से 17 सरकारी पेड़ को अवैध रूप से काट कर बेच दिया है, जिसकी शिकायत तहसीलदार को किया गया है। वही निरीक्षण के लिए तहसीलदार ने पटवारी को निर्देशित किया। वही ग्रामीणों में कार्यवाही की मांग को लेकर काफी आक्रोश है। अब इसमें तो घास जमीन में अपना पेड़ तो है ही, अब खेत के मेड़ से लगा हुआ है अपना घास जमीन, उस पर अपना समझ के अब ग्रामीण लोग किसान लोग पेड़ को काट रहे हैं। हम लोग तो अब मौका जांच करके देख चुके हैं उसको कि घास में है कि उसके लगानी जमीन में है करके। तो काहे में लगा हुआ था? अब वो अपने घास जमीन में लगा हुआ था, शासकीय भूमि में लगा हुआ था। कौन है? काटा एक लेखराम पिता कालू राम करके है जो काटा है। वो क्या कार्रवाई करेंगे? अब इस पे अब तहसील न्यायालय को अपना प्रतिवेदन देंगे कि इतना पेड़ काटा है मौके में ऐसे करके। वहाँ ग्रामीण द्वारा एक खेत किसान वहाँ पर पूरा परिया में काट रहे थे, उसको ग्रामीण द्वारा मेरे को सूचना किए गए कि वहाँ पेड़ काट रहे करके। तो मैं पटवारी मैडम को फोन किए, फोन करके पूछा कि मैडम आप आदेश किए हो क्या? क्या पंचायत में तो रोकथाम है, पंचायत में रोकथाम है तो आप आदेश किए हो क्या करके मैं पूछा उसको। तो बोला कि मैं नहीं दिया हूँ। वो फोन किए कोतवाल को, फोन करके पूछे आप जाओ कोतवाल करके भेजे उसको कटाई को रुकवाए वहाँ। तो आकांक्षी जिला कांकेर का निरीक्षण करने के लिए केंद्र से उद्यम मंत्री भानु प्रताप सिंह वर्मा पहुंचे, जिन्होंने ग्राम दसपुर में जल जीवन मिशन के तहत लगे पाइपलाइन और नल कनेक्शन का निरीक्षण करते हुए 100% कार्य ना होने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए पीएचआई विभाग के अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई है। साथ ही दूसरे मोहल्ले में सोलर पैनल के तहत नल कनेक्शन देने को कहा। वही सांसद मोहन मंडावी ने लीकेज पर घटिया पाइप लगाने की बात कहते हुए फटकार लगाई है। मंदिर है सर साईं बाबा का, उसके आगे राइट साइड में नया पाइप डाल के कनेक्शन देना पड़ेगा। प्लेटफॉर्म नया कनेक्शन में ऐसे मरम्मत के वक्त नहीं पड़ता, पानी उधर नहीं जा पाता, तक जा नहीं पाता, लगा दिए। तो गोरेला पेंड्रा मारवाही जिले में गर्मी शुरू होते ही पानी की समस्या से लोग परेशान हो रहे हैं। तपती धूप में कई किलोमीटर दूर से लोग पानी लाने को मजबूर है। हैंडपंप कुआं तो है लेकिन हैंडपंप से निकल रहा है खराब गंदा पानी। वही पीएचआई विभाग के अधिकारी कर्मचारी ग्रामीणों की सूचना के बाद भी बिगड़े हुए हैंडपंप को बनाने के लिए कोई सुध नहीं ले रहे हैं, जिससे लोग नदी नाले बावड़ी का पानी पीने को मजबूर है। सरकार लाख दावा करे कि नल जल योजना सहित विभिन्न योजनाओं के तहत सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में 100% पानी उपलब्ध कराई जा रही है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां करती है। इधर तो पानी समस्या है पूरा, ये कुआं भी बहुत अच्छा पानी है, इसमें का मरम्मत नहीं होता इस कुएं का, और कोई पंच सरपंच लोग ध्यान नहीं देते, जनपद भी ध्यान नहीं देते। ये गांव में हमारा जनपद भी है, उप सरपंच भी है, पंच भी है, कोई ध्यान नहीं देते पानी का। नहीं तो इसमें बढ़िया प्रयोग है हमारे यहाँ का, दो चार घर तो यहाँ अच्छे से प्रयोग हो जाए इसको। अभी कम से कम 3 फीट पानी होगा इसमें, अब वही है मतलब थोड़ा सा और गहराई उराई हो जाते हैं कुआं, मतलब खराब खराब है पानी, साफ सफाई की।
तो शादी से महज एक दिन पहले दुष्कर्म के जुर्म में दुल्हे को मंडप से गिरफ्तार कर पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया है। आरोपी को 20 अप्रैल को पोंडी चिरमिरी क्षेत्र में बारात जाने वाली थी। मामला मनेंद्रगढ़ थाने का है। आरोपी पर अपनी भाभी की नाबालिग छोटी बहन से दुष्कर्म का आरोप है। आरोपी के घर पर शादी की रस्में निभाई जा रही थी, उसी दौरान पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को मंडप से गिरफ्तार कर अपने साथ ले गई। वहीं पुलिस ने घटना की जांच की तो शिकायत सही पाया गया, जिस पर आरोपी लक्ष्मण के खिलाफ आईपीसी की धारा 367 और पास्को एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया। प्रार्थिया जो नाबालिग है उन्होंने थाने में आकर के सूचना दी कि उसके साथ एक व्यक्ति है जो उसके साथ गलत काम किया है और अभी वो वर्तमान में शादी कर रहा है और इन लोगों के बीच में आपस में एक एग्रीमेंट भी हुआ था, समझौता किए थे दोनों के पिता लोग कि जब दोनों लड़के लड़की बालिग हो जाएंगे तो दोनों जो है विवाह करेंगे करके। उस समझौता को, उसी इकरारनामे को तोड़ करके लड़का दूसरी जगह शादी कर रहा था। उसी रोष में लड़की के द्वारा थाना में मणिनगर में आकर के शिकायत दर्ज किया गया कि लड़के के पक्ष और लड़का जो है वो दोनों दूसरी जगह शादी कर रहे हैं करके। तो इसी बात को लेकर के जब पुलिस जांच की तो उसमें पता चला कि लड़की के साथ गलत हुआ था, उसके साथ 376 साथ में पास्को एक्ट भी उसमें लगा हुआ था उस पर कायम करके। तो जांजगीर चांपा जिले के पामगढ़ नायब तहसीलदार अभिजीत भानू ने अवैध उत्खनन पर शिकंजा कसते हुए ताबड़तोड़ कार्रवाई किया है, जहां अवैध उत्खनन करते हुए 5 ट्रैक्टर और 1 जेसीबी को जब्त किया है। पूरा मामला पामगढ़ के राहौत का है, जहां तालाब में सफाई के नाम पर अध्यक्ष के पीठ के पीछे चल रहा तालाब में महीनों भर से मुरुम मिट्टी का अवैध उत्खनन, जहाँ उत्खनन माफियाओं द्वारा सैकड़ों ट्रिप मरु मिट्टी का पैसे की सौदेबाजी कर बेचा जा रहा है। जब यह बात सामने आई तो त्वरित कार्रवाई हुई। ये बात मुझे अभी संज्ञान में आई है कि राहौर नगर पंचायत में तालाब में अवैध मुरुम का खनन किया जा रहा है, इस पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी, इस पर जांच दल गठित करके भेजा जाएगा तथा साथ ही मेरे द्वारा माइनिंग डिपार्टमेंट को भी ज्ञापन और लेटर जारी कर दिया जाएगा। देखिए जांच का विषय है, ये बात तो अभी तो हमारे संज्ञान में आई है, इस पर जांच के बाद जैसा भी उस पर पता चलेगा उसके हिसाब से कार्रवाई। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, आगे के अपडेट्स के लिए बने रहिए रफ्तार मीडिया के साथ। नमस्कार।